जम्मू शहर के नगर प्रमुख श्री राजेंद्र शर्मा जी, जम्मू के जिला परिषद अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी, राज्य के निर्वाचन आयुक्त श्री के शर्मा जी, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजकुमार गोयल जी, हमारे डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर संगोत्रा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, भारतीय लोकतंत्र के पावन पर्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाला यह उत्सव भारत के मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है। कल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाएंगे और ठीक एक दिन पहले लोकतंत्र की असली ताकत मतदाताओं के सम्मान में मनाए जा रहे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम में भाग लेना मेरे लिए सम्मान और प्रसन्नता की बात है। मित्रों, गणतंत्र बनने से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और मजबूत निर्वाचन आयोग की स्थापना इस देश में हुई थी। यह लोकतांत्रिक परंपराओं में हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस साल जैसा आपने सुना, 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यह थीम भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है और उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। चुनाव के समय वोट देना, मैं समझता हूं, राष्ट्र निर्माण के अभियान में एक ईंट रखने के समान है और इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव का मतलब सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि समाज और देश के भविष्य, भावी पीढ़ी और राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने वाली युवा पीढ़ी तथा दशकों से वंचित वर्ग के मतदाताओं को भी, जिन्हें ये लोकतांत्रिक अधिकार एक विशेष कारण से नहीं मिला, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा आपने वीडियो में देखा और बताया हमारे उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कि डिलिमिटेशन, उसके पश्चात स्पेशल समरी रिवीजन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित की गई। समान अधिकार, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया में विशिष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार पाने वाले सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे स्मरण है 2020 में जब पंचायतों के चुनाव हो रहे थे, डीडीसी के चुनाव हो रहे थे, तो उस अभियान में भी अधिकारियों ने और मतदाताओं ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को के स्वप्न को जम्मू कश्मीर में साकार करने के लिए समावेशी विकास की परिकल्पना को अमली जमा पहनाने के लिए दिन रात मेहनत किया। डीडीसी चुनाव के दौरान मैंने स्वयं अपनी आंखों से युवाओं का उत्साह देखा है और मुझे याद है 105 वर्ष के अब्दुल गफ्फार वानी साहब की तस्वीर आज भी, जो ठंड में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पैदल चलकर
मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। अपने अधिकार के प्रति सजगता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मित्रों, और यही भाव भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आज वास्तविक रूप में देश की जो विकास यात्रा है, जमीनी स्तर के लोकतंत्र की भागीदारी ने देश को मजबूत बनाया है। और जम्मू कश्मीर में भी जब सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मुझे विश्वास है सभी चुनाव अधिकारी आगे भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। आप में से पता नहीं कुछ लोगों को मालूम है या नहीं, पहले यहाँ एक समय था जब दो प्रकार के विधायक होते थे, एक जनता के निर्वाचित विधायक थे और एक खलीक साहब के विधायक थे। उससे जम्मू कश्मीर अब मुक्त हो गया है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जब भी निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव कराएगा तो निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो, जनता के लोग चुने जाएं, इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। मित्रों, ये गौरव की बात है कि हमने विश्व के विशालतम लोकतंत्र के रूप में समता, सामाजिक समरसता के आदर्शों पर चलते हुए ढेर सारी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। मुझे कहने में गर्व की अनुभूति होती है कि भारतवर्ष की लोकतांत्रिक बुनियाद आज दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा गहरी। आप सब जानते हैं जब हम आजाद हुए थे उसी दौर में अनेकों राष्ट्रों को भी स्वतंत्रता मिली। उन देशों से अगर आप तुलना करेंगे, आप नजर डालिए, तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र की परंपरा अगर सबसे ज्यादा कहीं फली फूली है तो वो हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है, भारत। तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमने ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा विकसित किया जो आम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विकास और सामाजिक उन्नति के बुनियाद को मजबूत कर रहा है। मुझे स्मरण है संविधान सभा में जब निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक स्वरूप पर चर्चा हो रही थी, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मताधिकार ही जनतंत्र का आधार स्तंभ है, और अगर किसी को भी इस अधिकार से वंचित रखा गया तो लोकतंत्र के मूल चरित्र पर आघात होगा। बाबा साहब का स्पष्ट मानना था कि निर्वाचन आयोग का ऐसा स्वरूप बने जो निर्वाचक पदाधिकारियों को निर्देश एवं अधिकार दे ताकि भारत के किसी भी नागरिक के प्रति अन्याय न हो सके और उसे संविधान के अधीन मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का मौलिक अधिकार हो। जम्मू कश्मीर इस मामले में अपवाद रहा है। 5 अगस्त 2019 के पहले जो स्थिति थी, कुछ वर्ग के नागरिकों के साथ भेदभाव हुआ, उनको ये अधिकार नहीं मिल सका। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के संविधान की मूल भावना रही है उसका सम्मान करते हुए आज जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार प्रदान किया गया है, उसे सशक्त बनाया गया है। उनके हाथों में अपना प्रतिनिधि चुनने की ताकत आई और लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई। मैं समझता हूं यही वो ताकत है जो भारत के लोकतंत्र को पूरे दुनिया में अलग स्थान देती है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी जिन्होंने चुनाव के दौरान काम कर रहे अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने अधीन रखा और बकायदा निर्वाचक नामावली तथा उसका पर्यावलोकन पुनरीक्षण करने के लिए यथोचित नियम बनाए। यह सब लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक ठोस प्रयत्न था और उनके प्रति आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। हमारी पारदर्शी निष्पक्ष व्यवस्था और हर चुनाव में मतदाताओं की बढ़ती भीड़ ने संविधान निर्माताओं के इस भरोसे को कायम रखने में सफलता पाई है। इस अवसर पर मैं इलेक्शन कमीशन के अनेक सराहनीय प्रयासों की भी चर्चा करना चाहूँगा। तकनीकी विकास और चुनावी प्रक्रिया में उनका इस्तेमाल करके भारत की चुनाव प्रणाली को
मजबूत बनाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है और विश्व के अन्य देशों में आज इस बात की चर्चा है कि चुनाव कैसे कराए जाएं, यह भारत से सीखने की जरूरत है। अनेक आईटी टूल्स के इस्तेमाल से मतदाता भी जागरूक हुआ है तथा पूरी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया गया है। मुझे स्मरण है पिछले साल नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट जब आए, अनेक स्थानों पर इतना विलंब हुआ कि पूरा सोशल मीडिया उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। किस तरह हमारे देश में दशकों से पहले इसका समाधान कर लिया गया, ये सब निश्चित रूप से हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। यह संजोग की बात है कि अक्टूबर नवंबर 2022 में ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनेजमेंट पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। विश्व के अनेक देशों में चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाने और वहाँ की संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रतिबद्धता भी उसमें दोहराई गई। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की भारत की जो दक्षता है, भारत का जो कौशल है, उसे आज अलग अलग देश उस अनुभव को साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मुझे स्मरण है कि पिछले वर्ष तक 16 देशों के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने एमओयू किया है। अनेक देशों के निर्वाचन अधिकारी आ जा करके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कि बेहतर चुनाव कैसे कराए। मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव प्रक्रिया को समृद्ध कर रहा है, वेब रेडियो, ई मैगजीन, सोशल इंगेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जन जागरूकता चलाने का अभियान, उससे आम नागरिकों को भी प्रेरणा मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान जम्मू कश्मीर में 11 लाख 28 हजार नए मतदाता इनरोल हुए हैं। मैं ऐसे मतदाताओं से जो किसी कारणवश छूट गए, उनसे अपील करता कि वो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य इनरोल करावें और देश के संविधान द्वारा उनको प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने की आने वाले दिनों में जरूर कोशिश करें। मुझे स्मरण है DDC के चुनाव के सभी चरणों के मतदान में ऐतिहासिक मतदान हुआ था और इसलिए मतदाता तथा चुनाव आयोग को भी इसका बड़ा श्रेय जाता है। मैं फील्ड में काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों के अथक परिश्रम की भी सराहना करता हूँ, उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ लोगों ने अनावश्यक जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है, कुल 11,28,000 मतदाता बढ़े हैं। वातावरण बनाया जा रहा था कि 75 लाख मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे, बाहर के लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज के दिन आपको भी इस बात को समझना होगा, कुछ लोग हैं जो बिना बात के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। आज सच्चाई सामने आ गई है। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज कराया, वो अभी करा सकते हैं। और निर्वाचन से जुड़े अपने सभी अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर से एक बार प्रयास करने की जरूरत है। जो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है, उस उद्देश्य में पूरी सफलता हमें मिले, अधिक से अधिक लोगों को हम मतदाता सूची में दर्ज करें, खासतौर से युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक हम जोड़ सकें, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी अधिकारियों को भी निर्वाचन प्रक्रिया में अपने मूल योगदान के लिए हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद।